फेमस टीवी शो बिग बॉस के मोस्ट हंगामेदार कंटेस्टेंट रहे स्वामी ओम ने आरोप लगाया है कि पानीपत में कुछ युवकों ने रिवॉल्वर की नोक पर उनसे 30,000 रुपए लूट लिए हैं। स्वामी ओम ने इसके संबंध में शहर के सेक्टर 6 और 7 की पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखवाई है। स्वामी ओम का कहना है कि पिछले दिनों जब वो पानीपत में थे तो रात को उनके सोते समय कुछ लड़के उनके कमरे में आए और हथियारों की नोक पर उनसे 30,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और एक महिला विधायक के भाई का नाम भी सामने आ रहा है। और लड़कों का कहना है वो तो स्वामी ओम के साथ सेल्फी लेने गए थे और स्वामी ओम ने उन पर गलत आरोप लगा दिया। आपको बता दें कि स्वामी ओम अक्सर अपनी बेहुदा हरकतों के कारण चर्चा में रहते हैं। फॉर मोर बॉलीवुड एंड पॉलीवुड अपडेट सब्सक्राइब आवर चैनल सवेरा स्टार टॉक्स।